फ्रेंड्स, मैं हम सूर्या है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। आज मैं बात करूंगा बाहुबली 2 के 2 दिन के रिव्यू के बारे में, यानी कि 2 दिन के कलेक्शंस के बारे में। किस तरह से 2 दिन का कलेक्शन आया वो आपको बता दूंगा। पहले दिन का जो कलेक्शंस का आंकड़ा पड़ा है वो 121 करोड़ तक का आंका गया है और दूसरे दिन का कलेक्शन भी लग रहा है कि 100 करोड़ के ऊपर गया है। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत ही बड़े ट्रेड एक्सपर्ट के हिसाब से पता चल रहा है कि ये फिल्म ने दूसरे दिन भी 100 करोड़ के ऊपर का बिजनेस किया है। आखिर क्या है वो आंकड़ा मैं बताता हूँ। ये आप देख सकते हैं साइट, यहाँ पे प्रॉपर एक आंकड़ा दिया है कि बाहुबली 2 का पहले दिन का आंकड़ा ये 122 करोड़ बता रहे हैं और वहीं दूसरे दिन का आंकड़ा जो बता रहे हैं कि द बाहुबली 2 कंटिन्यू टू ब्रेक हैवॉक इंडिया एज इट हैज अनदर, यानी कि वापस से 100 करोड़ कमाया है दूसरे दिन, ये आंकड़ा है। और ये मैं आपको बता देता हूँ फ्राइडे की जो अर्निंग है जो बॉक्स ऑफिस की इंडिया की तरफ से आई है वो है 122 करोड़। जी हाँ, और सैटरडे की अर्निंग 100 करोड़, यानी कि 100 करोड़ कमाया है सैटरडे को भी। और ये अर्ली फिगर्स है, यानी कि ये मिनिमम फिगर है, इसके ऊपर ही बाहुबली 2 दूसरे दिन कमाएगी। इसका मतलब ये है कि इन आंकड़ों के हिसाब से जो टोटल बताया जा रहा है साइट पे वो है 222 करोड़। जी हाँ, 2 दिन की अर्निंग 222 करोड़ है और अक्सर देखा जाता है पहले दिन की अर्निंग से ज़्यादा होती है दूसरे दिन की अर्निंग। और ये अर्ली फिगर्स है, आप सोचते होंगे अर्ली फिगर्स यानी कि क्यों अभी तक तो कलेक्शंस के आंकड़े आ जाने चाहिए, आखिर इतना डिले क्यों हो रहा है। पहले दिन के भी कलेक्शन में डिले हुआ था, उसका रीज़न मैं बता देता हूँ। क्योंकि साउथ इंडस्ट्री में जो है DCR नहीं है, यानी कि डेली कलेक्शन रिपोर्ट का इश्यूज़ है वहाँ पे साउथ इंडियन इंडस्ट्री में वहाँ का बिजनेस थोड़ा सा अलग तरीके से चलता है और कहीं ना कहीं जो आंकड़े देते हैं डिस्ट्रीब्यूशन वाले मेन तौर पे देते हैं कि किस तरह से कलेक्शंस हुआ है, क्या हुआ है, यानी जो फिल्में प्रोवाइड करते हैं एग्जीक्यूटिव को जो फिल्में दिखाते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर्स जो मेन होता है वो बताता है कहीं ना कहीं कलेक्शंस किस तरह के हुए हैं। तो वहाँ पे DCR ना होने की वजह से, यानी डेली कलेक्शन रिपोर्ट साउथ इंडस्ट्री में, तो उसके कलेक्शंस बहुत ही लेट पता चलते हैं। और ये अर्ली एस्टिमेट्स ये बताता है कि इतने मिनिमम कलेक्शन हुए, इससे ऊपर ही है, इसके नीचे नहीं है। क्योंकि देखो लिखा है कि कलेक्शन कुड गो हायर एट द एंड ऑफ द वीक एस देर आर नो DCR, यानी कि जिस तरह से कलेक्शंस आपको पहले दिन के भी मिले हैं 121 करोड़, उसमें 1 करोड़ एक्स्ट्रा जुड़ गया है क्योंकि धीरे धीरे टाइम लगता आने में कलेक्शंस प्रॉपर तरीके से पता चलने में। और दूसरे दिन का कलेक्शन जो 100 करोड़ आया हो उसमें भी इजाफा ज़रूर होगा वीक जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, और इसी तरह से कलेक्शन बढ़ते जाएंगे, कम नहीं होंगे, और संडे को तो बिल्कुल कम नहीं होंगे। तो 2 दिन में इस फिल्म ने 222 करोड़ का आंकड़ा आप छू लिया है। आप कितने एक्साइटेड हो, कितने स्टंड हो इसके कलेक्शन से, आप जरूर बता सकते हो। कुछ और बॉलीवुड इंपॉर्टेंट खबर चलेगी तो आपको मैं इसी तरह अपडेट करता रहूँगा। चलिए, अब तक के लिए बाय बाय।